हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ लेक्चर फिफ्थ ऑफ द चैप्टर नंबर 18, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन। तो बच्चों 18 डी के हम कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, वो फिगर है, फिगर को देखने आप देख के आपने जितनी उसकी फिगर में जितनी हमारी उसके अंदर जो सब फिगर बनती है उन सब का एरिया को एड करना है और आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी इन विच बी एल पैरेलल टू ए सी। तो बच्चों इसके अंदर हमारी एक इसने पेंटागन बनाई है बच्चों, तो हमारी पेंटागन देखो बच्चों इस टाइप से बनाई है इसने, हमारा ए सी ए डी और ए सी क्या हमारे इसके अंदर हमारे दो डायगोनल ए डी ये सी है। और बच्चों दूसरी फिगर ये यहाँ से बी उठा दिया, बी यहाँ से इसके साथ मिला दिया। तो बच्चों बी एल जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, और बच्चों जो सी एम है वो परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। और बच्चों एक इसने नीचे फिगर एक और इसने यहाँ से मिला दिया और इसका एक और परपेंडिकुलर दे दिया, तो जिस परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ये हमारा बच्चों ई एन, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। तो बच्चों इसकी वैल्यूज देखना बच्चों क्या क्या दी है, ए सी बराबर है क्या इसमें 10 के बराबर दे, देखिए बच्चों ए सी इक्वल टू 10 और हमारा दिया बच्चों ए डी इक्वल टू 12। तो ए डी की वैल्यू क्या दी बच्चों इसने, पूरी ए डी जो कंप्लीट है ना ये हमारी क्या है 12 के बराबर है। बी एल इक्वल टू क्या दिया बच्चों इसने 3 के बराबर दे दी। और बच्चों इसने दिया हमारी सी एम इक्वल टू 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू 7 और ई एन की वैल्यू दे दी बच्चों इसने 5। तो बेटा हमारी इस पूरी फिगर का है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या हमारी पेंटागन है ए ई डी सी बी। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, हमारा एरिया सबसे पहले तो हम इस फिगर का निकाल लेंगे एक बार, हमारा ए सी बी का, फिर हम क्या निकाल लेंगे ए डी सी का, ठीक है। एरिया ऑफ ए सी बी इसका एरिया होगा प्लस में एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए डी सी यह आएगा बच्चों, और दूसरा हमारा ये वाला एरिया आ गया, और तीसरा एरिया ऑफ ए ई डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। तो देखो बच्चों सबसे पहला एरिया देखो हमारा इसमें 1/2 इंटू में ये ट्रायंगल है ए सी बी, ए सी बी है ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, इसका एरिया क्या होता है बच्चों हमारा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो देखो बच्चों हमारी ए सी की वैल्यू क्या हमारी 10 है, क्योंकि इसमें बेस क्या हमारा ए सी है, तो 1/2 इंटू में ए सी इंटू में हाइट क्या हमारी बी एल प्लस ऑफ द 1/2 इंटू में इसके अंदर क्या, इसके अंदर बेस क्या हमारा ए डी है, ए डी क्योंकि बच्चों हमारी अभी क्या है ए डी सी, ए डी इंटू में हाइट क्या है इसके अंदर हमारी सी एम प्लस में, अभी ये वाली ट्रायंगल आ गई बच्चों 1/2 इंटू में ए ई डी में, ए ई डी में इसमें बेस क्या हमारा ई डी है और हाइट क्या बच्चों इसके अंदर हमारी क्या हमारी हाइट ई है। अभी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू में ए सी की वैल्यू क्या हमारी 10, बी एल की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 1/2 इंटू में ए डी की वैल्यू क्या बच्चों हमारी 12 है इंटू में सी एम की वैल्यू क्या हमारी 7 है प्लस में 1/2 इंटू में, तो हमारी सेम बेस तो हमारा इसमें भी सेम है ए डी, ए डी हमारा ये बेस है इंटू में हाइट क्या हमारी ई एन, तो बच्चों ए डी क्या हमारी 12 गुणा में ई एन क्या हमारी 5 है। तो बच्चों इसको आप कर सकते हो, सो 2 से 6 और 2 से 6 तो यहाँ से 5 3 15 गुणा में 6 गुणा में 7 42 जमा में 5 गुणा में 6 30। तो बच्चों हमारा क्या आ गया 42 और 15 57, तो 57 और 3 30 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 87 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया क्या जाएगा हमारा 87 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पेंटागन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये छोटे से क्वेश्चन है, बस आपको इसके अंदर फिगर को फाइंड आउट करना है, कौन सी फिगर को ऐड करके हमें बस हमारी फिगर बनेगी, या तो बच्चों की हमारी ट्राइंगल बनेगी या फिर हमारी ट्रेपेजियम बनेगी। तो नेक्स्ट में देखो द एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ एज पर द डायमेंशन गिवन हियर विद।
तो बच्चों देखो ध्यान से देखना हमारा, ये क्या हमारे नीचे क्या दिया बच्चों इसने, एक स्क्वायर टाइप से दे दिया बच्चों इसने, क्या दे दिया नीचे एक स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बच्चों 20, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे क्या बच्चों 20। तो बच्चों इसने ऊपर से हमने एक क्या बना दिया इसने, एक ये हमारी बना दी इसने एक ट्रेपेजियम, इसको यहाँ से क्या कर दिया इसको मिला दिया थोड़ी जिसने बराबर दे रखी है बच्चों। तो इस 20 है क्या बच्चों हमारा 6 दे दिया इसने, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या दे दी बेटा यहाँ से 8 और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया इसने 20। तो बेटा अभी इस पूरी फिगर का निकालना है एरिया, तो हम किस किस का दोनों दो फिगर का एरिया निकाल देंगे, ए बी सी डी ई और एफ। तो बच्चों हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी एफ, ए बी सी एफ प्लस में एरिया ऑफ एफ सी डी ई, एफ सी डी ई दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हमारा एक स्क्वायर है 20 by 20 का, क्योंकि ये 20 है तो बच्चों इसके सामने वाली हमारा 90 है, ये भी क्या है हमारा 90, तो ये क्या बच जाएगी बच्चों 20 के बराबर बच जाएगी। तो बच्चों इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है प्लस में एफ सी डी 1/2 इनटू में, इसमें हमारी दोनों साइड पैरेलल साइड है क्या है 6 और 20, तो 6 प्लस में 20 इनटू में इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारे दे रखे में 8, तो 2 से क्या कट जाएगा बच्चों 4 पे कट जाएगा, 400 प्लस में 20 और 6 26, तो 26 × 52 और 52 × 104, तो कितना आ गया बच्चों 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस फिगर। तो कितना आ जाएगा बच्चों 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच एज द डायमेंशन। तो बच्चों इसके अंदर हमारा इसका जो पूरी फिगर है ना उसका एरिया देखो बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा इसके अंदर मेन हमारी जो फिगर आई थी आपको समझ में आ गई, तो बेटा एरिया निकालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों यहाँ से क्या इन्हें दो ये निकाल दिए और यहाँ से इसने इसको नीचे से निकाल दिया यहाँ से, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या हमारी 8, तो यहाँ से बच्चों 5 और 4, यहाँ से 5 और 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे बच्चों यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू भी कितनी है 4 और 4, और ये देखिए बच्चों हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ध्यान से देखना बच्चों हमारा क्या है, इसकी पूरी फिगर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो देखो बेटा इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये काम कर लेते हैं बेटा, ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 है। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है इसको मिला दिया। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से देखा, ये 4 है, ये भी क्या हमारा 4 है, तो इसको आराम से मिला सकते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाके मिलेगा ये। तो ऐसे बच्चों हमारा 8 है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा 8 के बराबर हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, हालांकि हमारा ये 5 है ये 4 है, तो बेटा इस ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी आएगी, वही 5 और 4 यहाँ पे है इसकी, और इसकी लेंथ हमारी सेम आएगी। तो इट मीन्स क्या बच्चों, ये हमारा 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर वाला भी हमारा 8 बन जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में बच्चों हमारा ये क्या है राइट एंगल है, सी पे क्या बच्चों 90 डिग्री है, तो हमारा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या होगा बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज, 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस में एसी स्क्वायर। तो बच्चों एसी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा 16 माइनस में, तो एसी स्क्वायर बराबर है 9। तो बेटा एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो बेटा हमारी ये आ गई 3। सेम तरीके से 5 और 4 है, ये भी क्या आ जाएगी 3,
क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी 3 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, या तो हम इस फिगर का अलग से निकाल लेंगे, इस पूरे इसका अलग और इसका अलग, या फिर हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, इस फिगर का अलग से निकाल लेंगे और हमारी एक हमारी दूसरी क्या बचेगी, ट्रेपेजियम। तो बच्चों इसके हिसाब से क्या जाएगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन कौन सी ट्रेपेजियम, बी जी एच ए, बी जी एच ए प्लस बी, एरिया ऑफ सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, इस पूरे एरिया में से हम ये एरिया जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों, तो हमारा इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों हमारी 8 और 4 12 और 4 16, क्योंकि बी जी क्या होगी हमारी बच्चों, हमारी बी जी इक्वल टू 4 प्लस में 8 प्लस में 4, बी सी प्लस में सी एफ प्लस में एफ जी, 8 और 8 16, तो दिस इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, एक तो हमारी पैरेलल साइड इसके पैरेलल कौन सी है, 8 वाली है, तो 16 प्लस में 8 इंटू में हाइट, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस वो कितने निकाली हमें अभी भी 3 निकाली है, इंटू में 3 प्लस एरिया सी डी ई एफ, इसका ये क्या हमारे रेक्टेंगल है 8/4 का, 8 इंटू में 4 लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है हमारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों हमारा क्या 1/2 24 गुणा में 3 प्लस में 8 के 32, दो से बच्चों 12 या 36 और 24 कितना होगा बच्चों 36 प्लस में 24 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बच्चों ये एरिया क्या आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सॉरी बच्चों 60 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 गुणा में 4 क्या होता है बच्चों 832 आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 32, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा 32, और बेटा 32 और 36 क्या होते हैं हमारे 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी बच्चों इसे हमारे 8 गुणा में 4 की जगह क्या कर दिया था बच्चों हमने 8 इंटू में 3 कर दिया था, तो दिस इज इक्वल टू 32। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों इसमें क्या हमारी एक हेक्सागन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इन विच ईच साइड मेजर 13 सेंटीमीटर एंड हुज हाइट इज 23 सेंटीमीटर एंड शोन इन द फिगर। तो बच्चों जो इतने फिगर में दे रखा है ना उसके हिसाब से हमें प्लॉट कर लेनी है चीज, दिस इज द हेक्सागन। तो ये क्या है बच्चों हमारी रेगुलर हेक्सागन, इट मींस क्या हमारी सारी साइडें क्या है बच्चों हमारी 13 के बराबर है, 13 रेगुलर हेक्सागन क्या खास बात होती है, इसकी सारी साइडें क्या होती है बराबर होती है। तो बच्चों इसने क्या दी थी, इसने यहां से लेकर यहां तक इसने क्या दी थी बच्चों हाइट, दिस इज इक्वल टू 23, तो ए बी सी डी ई एफ, तो बच्चों दिस इक्वल टू 30। एक काम कर लेते हैं एफ को बी से मिलाएंगे और ई को सी से मिलाएंगे, तो बच्चों देखो यहां से 90 डिग्री पे मिला रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, तो मुझे 13 है तो ये अंदर क्या कितने बचेगी बच्चों 13 के बराबर बचेगी। तो लेट हमने क्या मान लिया, ये हमारा एल है और ये हमारा एम है, तो क्या मान लेते हैं लेट ए एल इक्वल टू एक्स, सो एम डी बी क्या हो जाएगा बेटा एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारी क्या है ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर क्योंकि बच्चों हमारी ये भी 13 है, ये भी 13 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 13 है 13 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों क्या आएंगे हमारी एक्स के बराबर हो जाएगी, ये भी हमारी एक्स होगी और ये भी हमारी एक्स होगी। और इसने दिया क्या बच्चों एंड ए डी इक्वल टू क्या दिया है 23, ये गिवन है, इसकी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट क्या दे रखी है 23, सो एक्स मतलब हमारी 23 किसके बराबर टोटल हमारी एक्स प्लस में एल एम प्लस में एक्स, एक्स प्लस में एल एम प्लस में एक्स इक्वल टू 23, तो 2 टाइम एक्स किसके बराबर हो गया प्लस में एल एम की वैल्यू क्या हमारी 13 है बराबर 23, तो 2 टाइम एक्स इक्वल टू 23 माइनस ऑफ द 13, तो 2x की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारी
दिस इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाई 2 इक्वल टू 5। तो बच्चों ये भी हमारी 5 के बराबर आ गई और ये भी हमारी 5 के बराबर आ गई, ठीक है। तो बच्चों अभी हम इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों अभी इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी इन ट्रायंगल ए एफ एल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए एफ एल, तो ए एफ एल में बच्चों ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो बच्चों इसके सामने क्या हो जाएगा हमारा 13, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है इसके अंदर एफ एल, एफ एल का स्क्वायर प्लस में हाइट क्या है इसमें हमारी 5, क्योंकि अब जो हमने फाइंड आउट करी है, तो बेटा 13169 माइनस ऑफ द 25 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस बराबर है एफ एल का स्क्वायर, तो एफ एल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों हमारा 144, तो एफ एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 144 किसका स्क्वायर होता है हमारा 12 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 12। तो बच्चों इसी तरीके से हमारी ये भी 13 है ये भी हमारा 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12 के बराबर आ जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा ये 13 है ये 5 है ये भी क्या आ गई हमारी 12 आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी, क्योंकि हमारा क्या होगा फिर ये हमारा क्या होगा बच्चों ये रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया रेक्टेंगल हमारा BFEC। तो अभी इस पूरी फिगर का हम यदि एरिया निकालेंगे तो बच्चों हमारा एरिया उस ए एफ बी का एरिया प्लस में ई सी बी एफ का एरिया प्लस में ई डी सी का एरिया, तो बच्चों ऐसे ही एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू किया जाएगा बच्चों एरिया ऑफ एफ बी ए, एफ बी ए प्लस में एरिया ऑफ ई सी बी एफ, ई सी बी एफ प्लस में एरिया ऑफ ई डी सी, तीनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों ऐड हो जाएगा, तीनों का एरिया ऐड करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पहले वाली फिगर का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस क्या बच्चों इसमें 12 और 12 24 24 इंटू में हाइट क्या है 5 प्लस में, अब ये क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो इनका क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसकी हमारी 24 बराबर 24 गुणा में 13 30 प्लस ऑफ द, अब नीचे वाली फिगर हमारी ईडीसी, ईडीसी में बेस क्या हमारा 1/2 इंटू में बेस क्या हमारा 24 इंटू में इसमें हाइट कितनी है बच्चों 5 है, यहाँ से कितना कट जाएगा 12 पे कट जाएगा, यहाँ से 12 पे 12 पंजे 60, 60 और 60 120, 60 प्लस में तो ये कट जाएगा बच्चों 13 चौके 52 13 दूनी 26 26 और 5 31 प्लस में 60 12 गुणा में 5 60 60 और 60 120, तो 120 पे बच्चे ये हमारा जुड़ जाएगा तो इसमें 120 ऐड हो जाएगा 2 2 रे 3 और 3 रे 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस हेक्सागन। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और यदि बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।